हेलो दोस्तों, मैं सनी गुप्ता आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल कलयुग धार्मिक आस्था में। आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं 10 महाविद्या में से द्वितीय महाविद्या तारा देवी के बारे में, तो वीडियो को अंत तक जरूर सुने। द्वितीय महाविद्या तारा हैं। तारा का अर्थ है तारने वाली अर्थात पार कराने वाली। ये पार्वती की स्वरूप है। तारा देवी का सबसे प्रसिद्ध मंदिर और शमशान तारापीठ में है, जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। इनके तीन सर्वाधिक प्रसिद्ध रूप हैं, एकजता तारा, उग्रतारा और नील सरस्वती। भगवती आद्याशक्ति के 10 महाविद्या के 10 स्वरूपों में से भगवती तारा का दूसरा स्थान है। क्रोधरात्रि में भगवती तारा का प्रादुर्भाव यानी प्रकट हुई थी। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को महाविद्या तारा की जयंती तिथि बतलाई गई है। महाविद्या काली को ही नीलरूपा होने के कारण तारा भी कहा गया है। तारा नाम का रहस्य यह भी है कि ये सर्वदा मोक्ष देने वाली तारने वाली है, इसलिए इन्हें तारा कहा जाता है। महाविद्याओं के क्रम में द्वितीय स्थान पर माता तारा की साधना की जाती है। वे ही वाक शक्ति प्रदान करने में समर्थ हैं, इसलिए इन्हें नील सरस्वती भी कहते हैं। वित्तीय परेशानी से भक्तों की रक्षा करती हैं, इसलिए ये उग्रतारा कहलाती हैं। वह नील तंत्रादि ग्रंथों में भगवती तारा के स्वरूप की विशेष चर्चा है। हयग्रीव का वध करने के लिए इन्हें नील विग्रह प्राप्त हुआ था। ये शवरूप शिव पर प्रत्यालीन मुद्रा में आरूढ़ हैं। भगवती तारा नील वर्ण वाली, नील कमलों के समान तीन नेत्रों वाली तथा हाथों में कैंची, कपाल, कमल और खड्ग धारण करने वाली हैं। ये व्याघ्र चर्म से विभूषिता तथा कंठ में मुंडमाला धारण करने वाली हैं। शत्रुनाश, वाक शक्ति की प्राप्ति तथा भोग मोक्ष की प्राप्ति के लिए भगवती तारा अथवा उग्र तारा की आराधना की जाती है। रात्रि देवी की स्वरूपा शक्ति भगवती तारा महाविद्याओं में अद्भुत प्रभाव वाली और सिद्धि की अधिष्ठात्री देवी कही गई है। भगवती तारा के तीन रूप हैं, तारा, एकजता तारा और नील सरस्वती। तीनों रूपों के रहस्य, कार्यकलाप तथा ध्यान परस्पर भिन्न हैं, किंतु भिन्न होते हुए भी सबकी शक्ति समान और एक है। भगवती तारा की उपासना मुख्य रूप से तंत्रोक्त पद्धति से होती है, इसलिए इनकी साधना सभी को नहीं करनी चाहिए, जिसे आगमोक्त पद्धति भी कहते हैं। इनकी उपासना से सामान्य व्यक्ति भी बृहस्पति के समान विद्वान हो जाता है, पर तंत्रोक्त पद्धति कोई सरल रूप की पूजा नहीं होती है, इसलिए इनकी साधना सभी के लिए नहीं है। गायत्री मंत्र के अनुसार माँ तारा का मंत्र, जो कि वैदिक विधि में बताया गया है, दो मंत्र है। ओम तारायै विद्महे महोग्रायै धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। यह तारा गायत्री मंत्र है। इसका भाव है, हम भगवती तारा को जानते हैं और उन महान उग्र स्वरूप वाली देवी का ही ध्यान करते हैं। वे देवी हमारी चित्तवृत्ति को अपने ही ध्यान में, अपनी ही लीला में लगाए रखें। माँ तारा के साधारण उपासकों को इसी भाव के इस साथ तारा गायत्री मंत्र का मानसिक जप करना चाहिए। भारत में सर्वप्रथम महर्षि वशिष्ठ ने भगवती तारा की आराधना की थी, इसलिए भगवती तारा को वशिष्ठाराधिता तारा भी कहा जाता है। वशिष्ठ ने पहले भगवती तारा की आराधना वैदिक रीति से करनी प्रारंभ की, जो कि सफल न हो सकी। उन्हें अदृश्य शक्ति से संकेत मिला कि वे तांत्रिक पद्धति के द्वारा, जिसे चीनाचार कहा जाता है, इससे भगवती तारा की उपासना करें। जब वशिष्ठ ने तांत्रिक पद्धति का आश्रय लिया, तब उन्हें सिद्धि प्राप्त हुई। यह कथा आचार तंत्र में वशिष्ठ मुनि की आराधना उपाख्यान में वर्णित है। इससे यह सिद्ध होता है, चीन, तिब्बत, लद्दाख आदि में तारा की उपासना प्रचलित थी। पुराणों में भी माँ तारा का मुख्य स्थान चीन देश में बताया गया है। तिब्बत और लद्दाख माता तारा के क्षेत्र माने जाते हैं, इसलिए तिब्बत और लद्दाख में भी माता तारा की उपासना साधना सबसे ज्यादा की जाती है। माता तारा की साधना हिंदू धर्म में ही नहीं, बौद्ध धर्म में भी की जाती है। महाचीन में तारा देवी की आराधना होने का वर्णन ग्रंथों में प्राप्त होता है। महाचीन अर्थात तिब्बत को साधनाओं का गढ़ माना जाता है। तिब्बती लामाओं या गुरुओं के पास साधनाओं की विशिष्ट तथा दुर्लभ विधियां आज भी मौजूद हैं। तिब्बती साधनाओं के सर्वश्रेष्ठ होने के पीछे भी उनकी आराध्य देवी मणिपद्मा का ही आशीर्वाद है। मणिपद्मा भगवती तारा का ही तिब्बती नाम है। इन्हीं की साधनाओं के बल पर वे असामान्य तथा असंभव लगने वाली क्रियाओं को भी करने में सफल हो पाते हैं। तारा महाविद्या की साधनाएं सबसे कठोर साधनाएं हुआ करती हैं। इनकी साधना में किसी प्रकार के नियमों में शिथिलता स्वीकार्य नहीं होती। नियमों का अच्छी तरह से पालन न होने पर ये साधनाएं सफल नहीं हो पाती। अतः सामान्य आराधकों को भक्तिपूर्वक माँ का केवल ध्यान एवं कवच, अष्टोत्तर शतनाम, हृदय आदि स्तोत्रों का पाठ करना चाहिए। ध्यान की महिमा स्तोत्र पाठ से यहाँ तक कि मंत्र जप से भी अधिक बताई गई है। देवी तारा का प्रादुर्भाव मेरु पर्वत के पश्चिम भाग में चोलना नाम की नदी के या चोलक सरोवर के तट पर हुआ था।
जैसा कि स्वतंत्र तंत्र में वर्णित है। महाकाल संहिता के काम कला खंड में तारारहस्य वर्णित है, जिसमें तारारात्रि में तारा की उपासना का विशेष महत्व बतलाया गया है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि की रात्रि तारारात्रि कहलाती है। बिहार के सहरसा जिले में प्रसिद्ध महिषी ग्राम में उग्रतारा का सिद्धपीठ विद्यमान है। वहां तारा एक जटातारा तथा नील सरस्वती की तीनों मूर्तियां एक साथ है। मध्य में बड़ी मूर्ति तथा दोनों तरफ छोटी मूर्तियां हैं। कहा जाता है कि महर्षि वशिष्ठ ने यही भगवती तारा की उपासना करके सिद्धि प्राप्त की थी। तंत्र शास्त्र के प्रसिद्ध ग्रंथ महाकाल संहिता के गुह्यकाली खंड में महाविद्याओं की उपासना का विस्तृत वर्णन है। उसके अनुसार भगवती तारा का रहस्य अन्य चमत्कार में बतलाया गया है। पूरे विश्वास तथा श्रद्धा से आराधना करने पर माँ तारा निश्चित रूप से अभीष्ट सिद्धि प्रदान करती हैं। माँ तारा के कमल चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। तो दोस्तों, ये था 10 महाविद्या में से द्वितीय माँ तारा महाविद्या का परिचय। मैंने काली महाविद्या परिचय और 10 महाविद्या की उत्पत्ति कैसे हुई इस पर भी वीडियो डाला हुआ है, आप उनको भी देखें। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। जय माँ काली, जय माँ तारा।